इसका ये ऑपर कुलम पार्ट है जो ड्रिल्स को घेर के रखता है, ठीक है, ड्रिल्स को क्या करता है, घेर के रखता है। और इसके अंदर जो स्केल्स पाए जाते हैं अर्थात मछली का जो चुहिया होता है वो होता है कौन सा, साइक्लोइड स्केल्स। कौन सा होता है, साइक्लोइड स्केल्स। ये वाला जो पूछ वाला फिन्स है अर्थात पंख, उसको कहते हैं हम लोग क्या, कॉडल फिन्स। और इसके बीचों बीच जो है वो लेटरल लाइन सिस्टम गुजरता है, जिसके बीचों बीच जो है वो रीढ़ की हड्डी गुजरते हैं, ठीक है, जो आगे चल के वो कांटेदार में रिब्स बना लेता है। जैसे हम लोगों में हड्डी होता है कांटेदार, रिब्स, और इस सब में वैसा नहीं होता है, क्लियर है। तो ये सब, और इसके जो आइज होते हैं वो ऑपरकुलम के जस्ट अपर साइड में पाए जाते हैं। ये माउथ होते हैं और माउथ में एक बड़ा सा कैविटी होता है जिसको ओरल कैविटी कहते हैं। इसमें करता क्या है, इसमें पैरेंटल केयर पाए जाते हैं इस फिश में, अर्थात ये मछली के बच्चे जो होते हैं उसको पूरा कंप्लीट रूप से जो है लगभग 100 से 150-200 बच्चे को अंदर माउथ में रख लेते हैं, ताकि उसके बच्चे को कोई खा ना जाए, मार ना दे, इसीलिए उसके बच्चे को अंदर में रख लेते हैं।